दोस्तों, उरी में एक बहुत दमदार किरदार में नजर आई एक्ट्रेस यामी गौतम अब फिल्म आर्टिकल 370 में एक बार फिर से कश्मीर पहुंच गई हैं। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। वैसे यामी गौतम एक बार फिर से एक पावरफुल कैरेक्टर को निभा रही हैं, तो ये आज की हमारी इस वीडियो में बताएंगे आपको। जी हाँ, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी में। डायरेक्टर सुहास जम्बाले की फिल्म आर्टिकल 370 कश्मीर की कहानी को लेकर आई है। फिल्म में यामी गौतम तो लीड रोल में है ही, उनके साथ प्रियमणि, अरुण गोविल, राज जोशी और किरण कर्माकर जैसे कलाकार हैं। इस बार यामी का किरदार एक स्पेशल मिशन पर कश्मीर में है। जो ट्रेलर वो भारत के खिलाफ काम करने वाले हर व्यक्ति की खबर लेने को तैयार नजर आ रही है। 2019 में CISF के काफिले पर पुलवामा में हुआ आतंकी हमला आर्टिकल 370 की कहानी का बेस है। यामी गौतम एक NIA ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी, जो भारत सरकार की तरफ से कश्मीर में उन आतंकियों को पकड़ने के मिशन पर हैं, जो इस हमले के पीछे थे। वो ट्रेलर में कई गेटअप में भी बदलती नजर आएंगी, यानी कि उनका यह मिशन एक सीक्रेट मिशन है। उन्हें ट्रेलर में जमकर एक्शन करते हुए आप देख सकते हैं। आर्टिकल 370 में यामी गौतम की बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि यामी और उनकी टीम जैसी कोई बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। इन आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले कानून आर्टिकल 370 की आड़ लेकर बच निकलते हैं, मगर तभी भारत सरकार आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला करती है। राज जोशी फिल्म में एक पॉलिटिशियन का किरदार निभाते नजर आएंगे, जो ट्रेलर में आतंकियों को सपोर्ट करता नजर आएगा। वैसे ट्रेलर में भारत के प्रधानमंत्री को आर्टिकल 370 हटाने का निश्चय करते हुए दिखाया गया है और ये किरदार अरुण गोविल जी निभा रहे हैं। उनका गेटअप बड़े ही सहज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की याद दिला देता है। ट्रेलर के अंत में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जैसा भी एक किरदार, जो किरण कर्माकर निभा रहे हैं। याद आज बात करें आर्टिकल 370 कहानी आदित्य धर की, द मोनल ठाकुर ने इसकी कहानी को लिखा है और आदित्य ने द सर्जिकल स्ट्राइक डायरेक्टर जिन्होंने की थी वो आर्टिकल 370 के प्रोड्यूसर भी हैं। तो फिल्म अगर बात करें तो 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। आदित्य की बनाई उरी तो थिएटर्स में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब देखना यह है कि आर्टिकल 370 जनता को कितनी पसंद आती है। आई होप कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारी मेहनत के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।